फॉसिल फ्यूल से हटाना है और उसमें ग्रीन एनर्जी की तरफ निहार जाना। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा इसलिए कि हम कुछ सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं नेपाल के लुम्बिनी से, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री खुद उनकी अगवानी करने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत ही ख़ास तस्वीरें। आप समझिए कि बीते महीने ही नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन, बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन, और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा कर रहे हैं, नेपाल के दौरे पर हैं वो। और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं वो सीधे नेपाल के लुम्बिनी से, जहाँ की प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं और उनकी अगवानी खुद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने की। और इस दौरान आप देख सकते हैं नेपाल सरकार के अहम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो उनके साथ, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और अब से कुछ ही क्षणों के बाद आप वो तस्वीरें देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माया देवी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पे पूजा अर्चना करेंगे, तो ये तस्वीरें बहुत ही खास हो जाती हैं। निहार साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे कि बताया कि तो जो 70,000 पोटेंशियल दोनों हिमालयन कंट्रीज में है, जो जी नेपाल, आप नेपाल के बारे में बोल रहे आएंगे क्योंकि 40,000 का पोटेंशियल है, लेकिन आप जो बोले जो करेंटली वो लोग जनरेट कर रहे हैं दैट इज 2100 मेगावाट, जो कि पिछले 8 मंथ्स में नेपाल का जो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है सरप्लस हुआ है, मतलब उनका डोमेस्टिक कंजप्शन जो है वो 1500 मेगावाट है, उसको छोड़ के अभी 500 मेगावाट उनके पास सरप्लस है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे परचेज करने के लिए अभी आग्री हो गया है। तो जिसमें कि नेपाल और इंडिया में जो रिलेशनशिप में इकोनॉमिकली और बायलैटरल ट्रेड में काफी फर्क आएगा इसके, जो जब इंडिया इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से परचेस करेगा, क्योंकि अब तक ये ट्रेंड था टिल 2021 कि नेपाल हमेशा इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 300 to 400 मेगावाट, जब उनका जब डेफिसिट टाइम पे लीन पीरियड पे जब उनका हाइड्रो प्रोजेक्ट जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो इंडिया से वो लोग इंपोर्ट कर रहे थे, तो नेपाल अभी इंडिया को सप्लाई करेंगे। तो ये जो बोल रहा है इसका महत्व यह है, एनर्जी कोऑपरेशन का महत्व है कि इंडिया ऑल्सो नीड इक्वली नेपाल और भूटान फॉर इट्स बेसिकली फुलफिलिंग इट्स ग्लोबल कमिटमेंट्स, राइट? 2027 टू ग्लासगो में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कमिटमेंट किए हैं, पेरिस एग्रीमेंट में हम लोग 2050 में जो एग्रीमेंट किए हैं, तो इंडिया पे ग्रीन एनर्जी के रिक्वायरमेंट है। तो नेपाल में क्या है, नेपाल का जो ट्रेड, जो बायलैटरल ट्रेड जो है काफी, मतलब डेफिसिट जो है काफी वाइड है, काफी अंतर है उसमें। तो नेपाल जो है आज तक इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं किया था, तो जिसमें ज्यादा जैसे ही वो लोगों का सरप्लस बढ़ते जाएगा और उनका मेगावाट प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा तो इंडिया इसे परचेज करेगा, तो जो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा और उनका जीडीपी और इकोनॉमी में ग्रोथ काफी चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल उसमें दे सकते हैं भूटान, भूटान इज अब प्रोड्यूसिंग अराउंड 2200 मेगावाट और उसमें से ऑलमोस्ट आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन जितने भी सरप्लस है सब इंडिया को प्रोड्यूस करे, जिसमें कि उनका इकोनॉमी में काफी मतलब कंट्रीब्यूट किया है बिकॉज ऑफ जी ठीक इंडिया उनसे परचेस करेगा। है। तो सेकेंड पॉइंट जो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये भी एक विजन है कि जो